में जड़ से जड़ उपादान कारण होगा तो ठीक है, लेकिन जड़ से जड़ यहाँ ऐसा नहीं ना कि निमित्त कारण के। सत्यार्थ प्रकाश में ये बात लिखी, कहीं कहीं जड़ से जड़ बन और बिगड़ भी जाता है। जैसे परमेश्वर रचित बीज भूमि में गिर जाते हैं, हवा से उड़ के आ जाते हैं, ठीक है, और उससे वृक्ष बन जाता है, तो कहीं कहीं ऐसा होता है, लेकिन उनका नियम पूर्वक बनना चेतन के अधीन है, ऐसा लिखा है। हाँ जी, है हाँ, संध्या करते हैं, ये बात तो निपटा लें पूरी। और स्वामी जी, जो मतलब ये जो किसी कारण जो पाद प्रसन्न था, जो किसी कारण होता है वो कार्य रूप देश में, स्वामी जी कुछ समझ में नहीं, ये स्वरूप, ये कहना चाहते हैं कि जो अंतिम कारण है, सबसे अंतिम कारण, सबसे मूल कारण, क्या वो भी किसी का कार्य है, ये प्रश्न था। तो मूल कारण तो है प्रकृति, ईश्वर और जीवात्मा, तो ये तो किसी का कार्य नहीं है ना, तो इसलिए इसका उत्तर बनेगा कि नहीं, वो किसी का कार्य नहीं होता, जो मूल कारण होता है वो किसी का कार्य नहीं होता, ठीक है। तो अब दूसरा विषय है संध्या मंत्रों का, थोड़ा सा संध्या के मंत्रों का भावार्थ बताएंगे संक्षिप्त।